एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज किस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक DIY ब्राइडल उबटन। इस वीडियो में एक्चुअली ये एक उबटन है जो मैंने शेयर किया है, बेसिकली एक फेस एंड बॉडी मास्क साथ में है। तो मैं कहूंगी कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप इसको ऑब्वियसली हर रोज अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम वीक में एक बार इसको जरूर अप्लाई कीजिए। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्स्ट एंड ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, उसके लिए आपको इसको हर रोज अप्लाई करना है। सो जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें बताए हैं, तो पहले मेक श्योर हो जाना कि आपको किसी भी प्रोडक्ट से कोई एलर्जी नहीं है, और कुछ भी अपने फेस या स्किन पे अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप एक पैच टेस्ट जरूर कर ले, ताकि आपके फेस पे कोई रिएक्शन ना हो। तो अगर आपके फेस या बॉडी पे कोई सनटैन है, कोई मार्क्स है, रिमूव हो जाएगा जो भी सनटैन होगा, और आपकी स्किन टोन बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखेगी, और थोड़ा सा आपका स्किन टोन फेयर भी लगेगा अगर आप इसको हर रोज अप्लाई करोगे, लाइक 1 to 2 months अगर आप इसको कंटिन्यूअसली अप्लाई कर सकते हो, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपके स्किन पे कितना ज्यादा डिफरेंस आया है, और आपकी स्किन अंदर से ऑटोमेटिक ग्लोई एंड फेयर एंड ब्राइट लगेगा। हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना है अपने स्किन को, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली मेकअप ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी तो मेकअप और भी अच्छे से निखर के आएगा। सो हमेशा अपने स्किन पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और हर रोज अपने स्किन पे थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, और आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी शादी के दिन आपकी फेस एंड बॉडी स्किन में कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। सो अगर आपको जानना है कि ये DIY ब्राइडल उबटन कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए रोज पेटल पाउडर, और उसके बाद चाहिए सैंडलवुड पाउडर, एंड देन हमें चाहिए कस्तूरी टर्मरिक पाउडर, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आसानी से अमेज़न पे मिल जाएंगे। एंड देन हमें चाहिए मिल्क एंड थोड़ा सा बेसन, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इस बेसन में अब मैं 2 tablespoons ऑफ दिस रोज पेटल पाउडर ऐड कर रही हूँ, एंड देन थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर ऐड कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा सा ये कस्तूरी टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला दूंगी, और ये मिल्क की हेल्प से मैं एक अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट बना लूंगी इन सब का। अगर आप चाहे तो पूरा पेस्ट मिल्क से ही बना सकते हैं, बट मिल्क खत्म हो गया था इसलिए मैंने वाटर ऐड किया और एक गाढ़ा पेस्ट बना लिया है मैंने इसका। और हमारा जो फेस एंड बॉडी मास्क है, जो हमारा DIY ब्राइडल उबटन है, वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब इसको मैं अपने पूरे फेस एंड बॉडी पे अप्लाई करूंगी, और ये ड्राई हो जाने के बाद मैं इसको धो लूंगी। अगर आप कर सके तो हर रोज शावर लेने से पहले आप इसको अपने पूरे फेस एंड बॉडी पे लगा सकते हैं 10-15 मिनट पहले, उसके बाद आप इसको वॉश कर ले अच्छे से। आप खुद नोटिस करोगे रोज लगाने से कि कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। तो मेरे फेस को वॉश करने के बाद ये ऐसा लग रहा है। ये था आज का वीडियो। सो आई रियली होप दैट आपको वीडियो हेल्पफुल तो लगा ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको इसका रिजल्ट क्या मिलता है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना, और अगर कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में और भी ऐसे ऐसे वीडियोस बनाऊं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।